डियर स्टूडेंट आरसीआई एजु हब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात कर रहे थे, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। प्राथमिक एवं द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने के लिए कुछ अपन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन पहला टेस्ट पढ़ेंगे ल्यूकास टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। यानी कि आज का जो टॉपिक रहेगा अपना प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। तो प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने के लिए जो कुछ टेस्ट काम में लेते हैं, उनमें जो पहले टेस्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे ल्यूकास परीक्षण। कौन सा परीक्षण पढ़ेंगे आप? ल्यूकास परीक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट है, होता है पेपर के अंदर 2016-17 में पूछा हुआ था। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है उसी के थ्रू अपन किसका टेस्ट करते हैं, ल्यूकास परीक्षण, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें होता क्या है कि जो कंसंट्रेट HCl एवं शुष्क ZnCl2 का जो मिश्रण बनता है उसे क्या कहा जाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। आपसे पूछ लेता है पेपर के अंदर ल्यूकास रिएजेंट क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है? कंसंट्रेट HCl एवं शुष्क ZnCl2 का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? ल्यूकास अभिकर्मक। अब इस ल्यूकास अभिकर्मक के साथ जो आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, इस ल्यूकास अभिकर्मक के साथ भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करके इनके क्या बनाते हैं? संगत क्लोराइड बनाते हैं। अब इनमें अविलय ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करेंगे, संगत क्लोराइड बनेंगे, तो इनमें क्या होता है कि अविलय एल्किल क्लोराइड बनने के कारण इनमें टर्बिडिटी, जो धुंधलापन है, सफेद धुंधलापन है, वो उत्पन्न हो जाता है। ये जो टर्बिडिटी आती है वो किस प्रकार आती है कि इसमें जो आपका जो 3 डिग्री एल्कोहल है, डियर स्टूडेंट, 3 डिग्री एल्कोहल की आपने जैसे ही अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ करवाएंगे, तो उसमें जो टर्बिडिटी है, धुंधलापन है, अविलयता है, वो तुरंत प्रकट हो जाती है। यदि तुरंत प्रकट हो रही है तो इसका मतलब एल्कोहल कैसा यूज किया है आपने? 3 डिग्री एल्कोहल। यदि आपने 2 डिग्री एल्कोहल लिया है और उसकी जो अभिक्रिया है वो किसके साथ करवाई? ल्यूकास अभिकर्मक के साथ करवाई, तो वहां से क्या होगा, जो आपकी जो टर्बिडिटी है वो 5-10 मिनट में जनरेट होती है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये सेकेंडरी एल्कोहल है। ऐसे ही यदि आपने 1 डिग्री एल्कोहल है लिया है और उसकी अभिक्रिया ल्यूकास रिएजेंट के साथ करवाई, तो तुरंत रूम टेम्परेचर जो होता है, कमरे के तापमान पर अभिक्रिया प्रकट नहीं होती है, किसी प्रकार की जो टर्बिडिटी है, अविलयता है, वो उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं ये कैसा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों का सेपरेशन आसानी से कर सकते हैं। ये जो टेस्ट होता है वो कहलाता है आपका ल्यूकास टेस्ट। किस प्रकार से करते हैं देखिए, तो देखिए यहां पे कंसंट्रेट HCl एवं शुष्क ZnCl2 का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक, इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, पूछ लेता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है, तो आप कह सकते हैं सांद्र HCl एवं शुष्क ZnCl2 का मिश्रण ही क्या कहलाता है आपका? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। तो यहां से देखो, 1 डिग्री एल्कोहल है आपका, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल, इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करके संगत एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, संगत एल्किल क्लोराइड। यानी कि संगत एल्किल क्लोराइड जो बनते हैं उनमें क्या होता है? अविलय एल्किल क्लोराइड, अविलय एल्किल क्लोराइड बनते हैं,
एल्कि क्लोराइड बनने के कारण इनमें क्या होता है, टर्बिडिटी जो है धुंधलापन उत्पन्न होने लग जाता है। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है इसमें, धुंधलापन। सफेद एविलता कह सकता हूं इसको, सफेद एविलता उत्पन्न हो जाती है। तो ये कैसे कैसे होती है, तो यहां पे क्या होता है कि जो आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, आपके पास एल्कोहल कैसा है, 3 डिग्री एल्कोहल, तुरंत 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो तुरंत क्या करता है, धुंधलापन प्रकट करता है। टू डिग्री एल्कोहल जो है उसमें धुंधलापन जो है वो आता है 5 से 10 मिनट, और यदि आपका 1 डिग्री एल्कोहल है तो जो धुंधलापन है वो प्रकट नहीं हो पाता, प्रकट नहीं होता, यानी कि अभिक्रिया संपन्न, अभिक्रिया नहीं हो पाती, अभिक्रिया नहीं हो पाती। यानी कि इस प्रकार का जो टेस्ट है वो कहलाता है आपका ल्यूकास टेस्ट। यदि आपका जो धुंधलापन है वो तुरंत ही जनरेट हो रहा है 3 डिग्री एल्कोहल, 5 से 10 मिनट में आता है 2 डिग्री एल्कोहल, और यदि प्रकट ही नहीं हो पाता है तो फिर कैसे एल्कोहल होगा 1 डिग्री एल्कोहल। ये जो टेस्ट है वो क्या कहलाएगा आपका, ल्यूकास परीक्षण। देखिएगा कैसे होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बात की, R3 यहाँ पे C यहाँ पे OH, 3 डिग्री एल्कोहल, कैसा एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई ल्यूकास रिएजेंट के साथ, यानी कि एरो पर लिख दिया मैंने कंसंट्रेट HCl प्लस शुष्क ZnCl2 की प्रेजेंस में अभिक्रिया संपन्न हुई। तो आपको पता है यहां से H2 बाहर निकल जाएगा, यहां से Cl जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा R3, यहां पे C ये बन जाएगा Cl, A मिले एल्किल क्लोराइड, ये क्या बन जाएगा आपका, A मिले एल्किल क्लोराइड, इनकी सफेद जो धुंधलापन है वो तुरंत उत्पन्न हो जाता है, कह सकता हूं सफेद एविलता, सफेद एविलता या धुंधलापन तुरंत प्रकट हो जाती है, प्रकट हो जाती है। यदि आपकी जो टर्बिडिटी है वो तुरंत प्रकट होती है तो मैं कह सकता हूं कैसा एल्कोहल है आपके पास, 3 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट पॉइंट में आपने 2 डिग्री एल्कोहल लिया, R2CHOH, कैसा एल्कोहल है आपका, 2 डिग्री एल्कोहल। अभिक्रिया करवाई आपने ल्यूकास रिएजेंट के साथ कंसंट्रेट HCl प्लस शुष्क ZnCl, आपको पता है रिएक्शन जो है क्या बन जाएगा, यहां से R2 यहां पे CH, R2 यहाँ पे CH क्या बन जाएगा, एविल एल्किल क्लोराइड बनेगा, एविल एल्किल क्लोराइड, यानी कि जो धुंधलापन है वो 5 से 10 मिनट में धुंधलापन। यदि आपका 1 डिग्री एल्कोहल है RCH2OH, कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। इस 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन करवाई मैंने कंसंट्रेट HCl प्लस शुष्क ZnCl, तो देखिएगा यहां से क्या होता है, R यहां पे क्या है CH2, ये क्या है आपका Cl, ये जो बनेगा RCH2Cl, एविलता प्रकट नहीं हो पाती, एविलता प्रकट नहीं हो पाती है, एविलता प्रकट नहीं हो पाती है रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पे, कमरे के तापमान पर। यानी कि आपकी जो टर्बिडिटी है एविलता, देखो यहां पे देखो 3 डिग्री एल्कोहल लिया आपने, एविल एल्किल क्लोराइड बना, टर्बिडिटी क्या होती है तुरंत जनरेट हो रही है, तो अपन कह रहे हैं कि कैसा एल्कोहल है, 3 डिग्री एविलता यहाँ पे भी उत्पन्न हो रही है, कितने मिनट में हो रही है, 5 से 10 मिनट में धुंधलापन आ रहा है, तो कैसा एल्कोहल है आपका, 2 डिग्री एल्कोहल।
और यदि कमरे के तापमान पर एवले तब जो टर्बिडिटी ऊपर कटी नहीं हो पाती तो मैं कह सकता हूं कि अल्कोहल कैसा है 1 डिग्री अल्कोहल। तो यानी कि ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री जो अल्कोहल है उनका जो इस ल्यूकास रिएजेंट की सहायता से परीक्षण करके आसानी से इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, पहचान की जा सकती है, ये कहलाता है आपका ल्यूकास परीक्षण। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे, इसी में नेक्स्ट जो टेस्ट चलेगा विक्टर मेयर मेथड। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड में क्या होता है डियर स्टूडेंट, किस विक्टर मेयर मेथड के अंदर जब अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों की पहचान करते हैं तो इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित पद जो होते हैं उनको काम में लिया जाता है। अभिक्रिया निम्न पदों में सम्मिलित होकर संपन्न होती है। किस प्रकार से होती है कि पहले पद में जो आपने जो आपका अल्कोहल लिया, अल्कोहल जो है किसके साथ अभिक्रिया करते हैं पी प्लस आई के साथ, चाहे वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो चाहे 2 डिग्री फिर चाहे 3 डिग्री अल्कोहल, यानी अल्कोहलों की अभिक्रिया फर्स्ट पद क्या होगा पी प्लस आई के साथ करवाएंगे तो वहां से किसका निर्माण होता है एल्किल आयोडाइडों का निर्माण होता है। इसके बाद इन एल्किल आयोडाइड जो बनते हैं उनकी अभिक्रिया में किसके साथ करवा दूं AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवा दूं तो यहां से इन एल्किल आयोडाइड से किसका निर्माण हो जाएगा नाइट्रो एल्केनों का निर्माण हो जाएगा। अब इस नाइट्रो जो एल्केन है इनकी अभिक्रिया में नाइट्रस अम्ल के साथ करवा दूं, ठीक है, यहां से नाइट्रो एल्केन बन चुका, नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन मैंने HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ करवाई तो जो आपका प्राथमिक जो नाइट्रो एल्केन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोलिक एसिड के अंदर, जो आपका जो सेकेंडरी जो एल्कोहल से जो नाइट्रो एल्केन बन रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्यूडो नाइट्रो छदम नाइट्रोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो 3 डिग्री एल्कोहल के दौरान जो नाइट्रो एल्केन बना था 3 डिग्री एल्कोहल के दौरान जो नाइट्रो एल्केन बना था वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो यानी कि आपका जो परिणामी विलयन है बना है यहां से उस परिणामी विलयन के अंदर अंत में क्या मिला देते हैं KOH मिला देते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है आपका नाइट्रोलिक जो एसिड है वो किस में कन्वर्ट ब्लड रेड लाइक कलर शो करने लग जाएगा, रुधिर जैसा लाल रंग आ जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि अल्कोहल कैसा था आपका 1 डिग्री। यदि आपका ब्लू कलर आता है तो फिर आपका अल्कोहल कैसा होगा 2 डिग्री अल्कोहल, और यदि KOH डालने के बाद परिणामी विलयन के अंदर अंत में कोई भी प्रकार का कलर शो नहीं कर रहा है यानी कि कलरलेस सॉल्यूशन है तो मैं कह सकता हूं कि अल्कोहल कैसा है आपका 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि ये जो मेथड है वो कहलाता है आपका विक्टर मेयर मेथड। किस प्रकार से करते हैं देखिएगा, यहां से सेकंड मेथड चल रहा है अपना विक्टर मेयर मेथड, विक्टर मेयर विधि। इस विधि में क्या होता है निम्नलिखित पद सम्मिलित होते हैं, सबसे पहले यहां से अल्कोहल जो होंगे उन अल्कोहलों की जो रिएक्शन है अभिक्रिया किस किस के साथ करवाई जाती है पी प्लस आई टू के साथ, फिर किसके साथ करवाएंगे AgNO2 के साथ करवाते हैं, फिर किसके साथ करवाते हैं HNO2 के साथ करवाते हैं, लास्ट में किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं KOH यानी इनके साथ क्रिया करवाते हैं। तो यानी कि आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल वो कैसा कलर शो करेगा रक्त जैसा लाल रंग, रक्त जैसा लाल रंग आता है तो आपका अल्कोहल कैसा होगा 1 डिग्री अल्कोहल। यदि आपका 2 डिग्री अल्कोहल है तो कैसा कलर आएगा यहां से नीला रंग, अब यदि नीला रंग आता है तो आपका अल्कोहल कैसा है 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री जो अल्कोहल है इसमें क्या होता है रंगहीन होते हैं कलरलेस होते हैं तो मैं कह सकता हूं कि अल्कोहल कैसा होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये जो मेथड है वो यहां से क्या कहलाता है आपको विक्टर मेयर मेथड। इसमें 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो यहां से क्या बनाएगा नाइट्रो एल्केन बनाएगा, ये नाइट्रोलिक एसिड बनेगा यहां से इसका स्यूडो नाइट्रोल बनाता है ये रिएक्शन करता नहीं है। इस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये जो मेथड है आपका कहलाता है विक्टर मेयर मेथड। किस प्रकार से होता है
तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है, इसकी जो विधि है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बातें करेंगे।